और दोस्तों कार्य काफी प्रगति पर है। पार्किंग स्थल भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से भक्त पैदल भी आराम से आ सकते हैं। भैया इस जगह का एग्जिट लोकेशन और ये जो हो रहा है मैदान उसका बता दीजिए। एग्जिट लोकेशन यहाँ गांव कोड़िया पड़ता है, तो नेशनल हाईवे जो अपना है वो पास में लगा हुआ है, तो अपन दुर्ग और थम्भा के सेंटर में पड़ता ही है गाँव। ये मैदान को क्या बोलते हैं? ये कोटिया मैदान बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। चल चल। और दोस्तों ग्राम कोटिया देखे ये है। श्री शिवाय नमस्ते भैम। तो दोस्तों एक बार फिर से होने वाला है छत्तीसगढ़ में प्रदीप मिश्रा जी का शिव कथा महापुराण, और मैं अभी वहीं जा रहा हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा ब्लॉग पे, और ये देखिए हमारे प्रदीप मिश्रा जी का फोटो और फ्लैक्स लग चुका है, तो बने रहे ब्लॉग पे और हम वहीं जा रहे हैं। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो एग्जिट जानकारी इस फ्लैक्स के माध्यम से मिलेगा अपने को, तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग पे और मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से आपको। तो दोस्तों कुछ ऐसा है छत्तीसगढ़ की पावन धारा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य पंडित प्रदीप मिश्र जी का सिंहवाली के श्रीमुख से गौ पितर शिव कथा महापुराण होने वाला है 7 तारीख से 13 अक्टूबर 2023। समय है 1 से 4 बजे तक। स्थान है शिवधाम कोटिया। और तो दोस्तों हम रायपुर से कुम्हारी, कुम्हारी से अहिवारा, और अहिवारा से कोडिया, और कोडिया से ग्राम पोटिया कथा स्थल मैदान। तो बने रहे दोस्तों ब्लॉग पे। दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुला वातावरण है, और चलिए हम आपको ले चलते हैं डोम के पास में जो बन रहा है अभी। अब बने रहे दोस्तों ब्लॉग पे। 7 तारीख को शुरू होगा, 13 तारीख तक, मतलब 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। और ये देखिए बहुत ही सुंदर और भव्य बन रहा है हमारा कथा पंडाल, और आज संडे होने की वजह से सब लोग देखने आ रहे हैं। और कार्य बहुत ही प्रगति पर है, ये देखिए कैसे चढ़ाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर। और ये देखिए दोस्तों कैसे उठाए जा रहे हैं ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों देखिए कैसे एंगल से डोम बनाया जा रहा है, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे उठाया जा रहा है। ये देखिए
और दोस्तों देखिए बहुत से ग्रामीण लोग आ रहे हैं पंडाल को देखने के लिए। स्पेस है ये देखिए आप लोग।